भोपाल थाना प्रभारी जागीराबाद अजय तिवारी ने बताया कि आज घटना हुई है। सुभाष फाटक के पास में मेट्रो का काम चल रहा है। इस मेट्रो के काम में लगे एक डंपर क्रमांक MP04 5533 मोटरसाइकिल चालक है, जिसका नाम जितेंद्र यादव निवासी शमशाबाद का रहने वाला है। ये बाइक से जा रहा था, उसकी चपेट में आ गया। पिछले टायर में आने से बाइक चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समय समय ट्रैफिक पुलिस साथ मिलकर हम प्रयास करते हैं, परंतु दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अभी तो वहां काम भी चल रहा है, हम इस घटना की जांच करेंगे इसकी, और निश्चित रूप से ये दुखद है। वहीं शहर में बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए हम दुकानदारों को समझाए देते हैं और वाहनों को सड़क से हटकर लगाने के लिए कहा जाता है। शहर में दुकानदारों द्वारा जो जगह जगह अतिक्रमण किया गया, इसकी कार्यवाही के लिए हम समय समय पर नगरपालिका, नगर निगम के माध्यम से, नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ता के माध्यम से हटाने का कार्य करते हैं। क्षेत्र में जो लावारिस गाड़ियां हैं या कुछ ऐसे ही वाहन किनारे लोग खड़ी कर देते हैं, उनको भी हम ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से हटवाने का काम करते हैं। बरखेड़ी फाटक से लेकर पात्रा तक ट्रेन की पटरी वाले रोड साइड तक से अगर कोई गाड़ी पार्किंग कर जाता है और 2-3 गाड़ी का कोई मालिक नहीं आता तो क्रेन से उठाकर थाने में खड़ी करवाते और इनके चालान कटवाते हैं। निश्चित रूप से पार्किंग का कोई स्पेस नहीं होने के कारण कभी कभी जाम की स्थिति बन जाती है। डंपर नंबर बता दो, बोल नहीं सकता। किस कंपनी का है, पूछा लिखा है क्या? टाटा कंपनी का है। नहीं, अरे की कंपनी तो टाटा है। ये आज जो घटना हुई है, सुभाष फाटक पास मेट्रो का काम चल रहा है, उसी मेट्रो के काम में एक डंपर क्रमांक MP04HE5331 ये कोपरा भर के वहां से ला रहा था। एक मोटरसाइकिल चालक, नाम था उसका जितेंद्र यादव, शमशाबाद का रहने वाला है, ये बाइक से आ रहा था तो ये उसकी चपेट में आ गया। तो डंपर वाले ड्राइवर का ने जो है इसे लापरवाही पूर्वक चला के और इसको इसके पीछे के टायर में गाड़ी भी जिसकी चूर हो गई और इसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई है। सर, शहर में इस तरह की घटना आम दिनों में देखने को मिल रही है, कुछ दिन पहले थाने में भी इस तरह की घटना हुई थी जिसमें बच्ची नहीं, पुलिस तो दिन प्रतिदिन जो है रोड दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास करती है, परंतु अब दुर्घटनाएं हैं, हो जाती हैं कई बार। अब जैसे ये दुर्घटना है, ये तो आउटर क्षेत्र में हुई है, कोई मेन रोड भी नहीं है वैसा, अभी तो वहाँ काम भी चल रहा है। अब किन परिस्थितियों में वो बाइक सवार जो है उसके टायर के नीचे आ गए, ये जाँच करेंगे इसकी, और निश्चित रूप से ये दुखद है। शहर में जो अतिक्रमण है अपने थाना अंतर्गत, उस पे सर पुलिस किस तरह की कार्रवाई? निश्चित रूप से अतिक्रमण जो है शहर में दुकानदारों द्वारा जो है जगह जगह पर किया गया है, इस पे कार्रवाई के लिए हम समय समय पर नगर पालिका, नगर निगम के माध्यम से, नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ता के माध्यम से जो है अतिक्रमण हटाने का कार्य करते हैं। क्षेत्र में जो लावारिस गाड़ियां या कुछ ऐसे किनारे लोग खड़ी कर देते हैं, उनको भी हम ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से क्रेन से, जैसे 2-3 दिन गाड़ी का कोई मालिक नहीं आया तो क्रेन से उठवा के आते हैं, थाने में खड़ी करवाते हैं और उनपे चालान कटवाते हैं। निश्चित रूप से पार्किंग का कोई निर्धारित स्पेस भी नहीं है, तो थोड़ी सी मजबूरी भी हो जाती है कि लोग सामान लेने आते हैं तो गाड़ी कहाँ खड़ी करें। सर, ये जो जाम लग रहा है बरखेड़ी फाटक पे भी, रोज कोई ना कोई घटना हो जाती है वहाँ पर, पूरी सड़क पर जाम रहता है बरखेड़ी से लेकर पात्रा तक जो साइड में वाहन खड़े उन पर कोई कार्रवाई नहीं? बरखेड़ी से लेकर पात्रा तक की स्थिति अब तो बहुत अच्छी है, इसीलिए क्योंकि रोड चौड़ा हो गया है और जो है जाम की ऐसा तो कोई स्थिति नहीं रहती, पर रोड के किनारे जो वाहन खड़े हैं, जो रोड के किनारे वाहन खड़े हैं उनको भी ज्यादा देर तक या ज्यादा दिन तक खड़े हैं तो हम ट्रैफिक पुलिस की मदद से उनको क्रेन से उठवा देते हैं, ठीक है ना। और अपनी तरफ से जो इस तरफ से यदि जाएं तो बाएं तरफ तो रोड है, एक तरफ तो पुलिस रेलवे लाइन है, बाएं तरफ जो है दुकानें हैं, तो दुकानों में जो लोग आगे तक सामान रखे हैं उनको जरूर हम जो है समय समय पर पीछे करवाते हैं और नगर निगम के माध्यम से उन पर चालानी कार्रवाई भी की जाती है।